मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए आज हम प्याज पराठा बनाएंगे, चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप मैदा ले लिया है और 2 चम्मच इसमें बेसन डाल देंगे। आप किसी भी कप कटोरी से नाप ले सकते हैं। ये आधा कप मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, रेगुलर आटा जो होता है, और थोड़ी सी अजवाइन है, उसे हाथों से क्रश करके इस तरह से डाल देंगे और थोड़ा सा तेल डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जैसे नमक और अजवाइन सब जगह मिक्स हो जाए, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथेंगे। थोड़ी देर के लिए इस पर तेल लगाकर इस तरह से छोड़ देंगे, बस तेल लगाएंगे और साइड में रख देंगे, कवर करके। तो यहाँ पे लच्छे में मैंने प्याज काट कर लिया, इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, तीखी लाल मिर्च है, और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अगर प्याज पानी छोड़ता हो तो थोड़ा सा इसमें आप कॉर्नफ्लोर या बेसन मिक्स कर सकते हो। और इस थोड़ी सी मैंने धनिया और हरी मिर्च डाली है, आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते थोड़ा बढ़ा सकते हो। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसमें कम डाली हूँ, और बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है ये। चलिए यहाँ से मैं इसे बड़ी सी बेल लूँगी इसे पराठे को। इसे हम बहुत मोटा भी नहीं रखेंगे और बहुत पतला भी नहीं रखेंगे, हाँ थोड़ा इसके लेंथ बड़ा रखेंगे रोटी से। इस पे घी लगा दे रही हूँ मैं, आप चाहो तो बटर भी लगा सकते हो और तेल भी लगा सकते हो, लेकिन घी का बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें इस तरह से प्याज को फैला देंगे हाथों से, चम्मच से ना डालिएगा वरना अच्छे से ये फैलेगा नहीं और बेलते समय फट जाएगा। हमें इसे हाथों से अच्छे से डालकर इस तरह से एक एक जगह फैला देना है और इस तरह से इसे दबाते हुए फोल्ड करेंगे। अगर प्याज पानी छोड़ रहा है तो हल्का सा कॉर्नफ्लोर इसमें आप मिक्स कर सकते हो प्याज में। चलिए इसे रोल कर लेते हैं लच्छे पराठे की तरह और दबा देते हैं। इसे पहले हम हाथों से दबाएंगे, डायरेक्ट इसे बेलन से नहीं करेंगे। अब इस पर हाथ आटे का डस्ट करेंगे, थोड़ा आटा ज़्यादा लगाएंगे नहीं तो ये फट जाएगा पूरा। अब ये हो गया अच्छे से, अब इस पर आटा मैंने डस्ट कर दिया और बेलेंगे, हल्के हाथ से करेंगे नहीं तो ये पूरा फट के बाहर आ जाएगा प्याज जो है इसमें। आप प्याज काटते समय ध्यान दीजिएगा, एकदम बारीक कट करिएगा। चलिए हो गया, इसे मैंने डाल दिया तवे पे। अब इस पर हम लगा देंगे घी, मैं ब्रश से लगा रही हूँ, आप चम्मच से भी लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ब्रश से ही लगाइए। ब्रश से इस तरह से लगा रही हूँ जिससे बहुत ज़्यादा ना लगे। और बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है, आप एक बार बना के देखिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा, आप ज़्यादा तीखा कर देंगे तो। वैसे इसे खाएंगे तो ऐसा लगता है हम प्याज की भजिया खा रहे हैं, चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।